हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज कंप्लीट साइंस सॉल्यूशन, क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन एनिमल। इससे पहले आपको लेक्चर मिल चुका है, कौन सा? न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमने कंप्लीट उसको रिकैप किया, सारे पॉइंट्स डिवाइड किए, जो जो इंपॉर्टेंट है आपको 10 to 15 मिनट में कंप्लीट लेक्चर मिल जाता है। हमारे सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन साइंस का 6 to 10 तक का आपको मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, क्विक रिवीजन आपके सामने। चलिए, चैप्टर नंबर जो आपने रिवाइज किया इससे पहले, मैं कुलदीप, वेट अ मिनट, राइट, हाँ मैं कुलदीप, एमएससी बीएड। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने 9460111387। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर फॉर योर टाइप नोट्स, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो चार्ज ऑफ द टाइप नोट्स, ओके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारे पास पहले तो रिवीजन करेंगे हम लास्ट क्लास का रिवीजन हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशन एंड प्लांट की बात हम लोग कर रहे हैं। देख लीजिएगा एक बार, प्लांट हमने देखा था न्यूट्रिशन क्या होता है, बात हो चुकी है हमारे पहले भी कि जो हम फूड ले रहे हैं फॉर द एनर्जी, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक। ऑटो की बात करें तो कहां पर होता है, प्लांट में होता है। फोटोसिंथेसिस, फोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, सनलाइट, CO2, वाटर, क्लोरोफिल। CO2 कहां से आएगा, स्टोमेटा से एक्सचेंज होगा, राइट। वाटर क्या करेगा, रूट के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, राइट। और इन सब का यूज करके प्लांट क्या करने वाला है, ग्लूकोज फॉर्म करने वाला है। दैट ग्लूकोज वो स्टोर किस फॉर्म में होगा प्लांट में, स्टार्च के फॉर्म में होगा, राइट। और कमेंट करेंगे स्टार्च के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, कमेंट इन चैट बॉक्स विच वन टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, कौन सा टेस्ट करते हैं फॉर स्टार्च। ठीक है, हमारे पास क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने देखा था फोर टाइप थे हमारे पास, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। पैरासिटिक किसमें था, हमने एग्जाम्पल देखा था लाइव एंड कहाँ देखा था हमने, कस्कटा एंड अमरबेल देखा था वहां पर, होस्ट और पैरासाइट। सिम्बायोटिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बोथ द मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन आर इंटरडिपेंडेंट, लाइकेन हो गया हमारे पास, माइकोराइजा हो गया। लाइकेन क्या है, एल्गी प्लस फंगी का एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा। माइकोराइजा क्या है आपका, फंगी प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट का, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ठीक है, इनका एसोसिएशन। सैप्रोफाइट की बात कर रहे हैं, सैप्रोफाइट मीन्स दूध, दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो करते हैं। होलोजोइक में कौन आएगा, एनिमल्स आ जाएंगे, ह्यूमन भी, हम लोग एनिमल्स तो हैं, हम लोग क्या हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग इसी में आएंगे। इंसेक्टिवर्स प्लांट पढ़ा था हमने, विनस फ्लाई ट्रैप, राइट, सैंडिव पिचर प्लांट, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से, पल्सेस, जितने भी दालें हैं हमारे पास, अरहर, मूंग, उड़द, चना, मटर, राइट। इनमें क्या होता है, इनकी रूट में होता है लेग्यूम, वहां पर होता है बैक्टीरिया, नाम है राइजोबियम, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, N2 फिक्सिंग में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये तो हो गया क्विक रिवीजन, हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन एनिमल। न्यूट्रिशन क्या होता है, एनर्जी जो हमें सर्वाइव करने चाहिए होती है। भाई हमें सर्वाइव करना है तो एनर्जी चाहिए, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड वी विल गेट फ्रॉम द फूड, दैट फूड इज न्यूट्रिएंट, राइट। देखिएगा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हम डिपेंड कहते हैं अदर पे, हम प्लांट की बात कर चुके हैं कि प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, बट हम लोग नहीं कर सकते सर, हम डिपेंड हैं किस पे, किस पे डिपेंड हैं, देखिएगा, प्लांट पे या फिर प्लांट का कोई प्रोडक्ट, प्लांट पार्ट या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या कोई प्लांट का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम डिपेंड है किस पे, एनिमल पे या प्रोडक्ट ऑफ एनिमल, या किस पे, प्रोडक्ट ऑफ एनिमल पे डिपेंड है, राइट। तो एनिमल क्या हो गए, आपको पता है नॉनवेज जो लोग खाते हैं, है ना, प्रोडक्ट में मिल्क हो गया, हनी हो गया, राइट, ये सब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एनिमल हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है डाइजेशन, डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करना, द मीन्स ऑफ डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड है ये सर,
ये कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको हमने क्या किया, सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट देखिएगा। हमने कहा हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेशन की, हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में फूड जिस पैसेज में जाता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेके एनस तक के पैसेज को बोलते हैं, माउथ टू एनस पैसेज को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। सॉरी, देखिएगा इस एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, तो फूड माउथ से कहां जाएगा, इसोफेगस, इसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप, क्या बोलते हैं हम लोग, फूड पाइप। स्टमक में जाएगा, स्टमक से कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सर नाम स्मॉल है, लेंथ बड़ी है, कितना है, अराउंड 7.5 मीटर, ध्यान रखिएगा। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, सर लार्ज नाम में ही है, लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, इसके बाद एनस से हम क्या करेंगे, वेस्ट को रिमूव आउट करेंगे, तो वन बाय वन माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हम सबके पास चलेंगे और सबके फंक्शन, सबके पार्ट देखने वाले। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माउथ, माउथ में कौन है, हमें तीन लोग मिलने वाले हैं, टीथ, टंग, सलाइवा, टीथ, टंग एंड सलाइवा। टीथ की बात करें, हमारे पास जॉ दिख रहा है आपको, जॉ की बात करें तो आपको यहाँ पर टीथ मिलेंगे, टीथ कितने होंगे सर, 32 होंगे एडल्ट में। ठीक है, तो 32 कौन कौन से, सर फोर टाइप ऑफ टीथ है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सर नंबर की बात करेंगे तो एक सिंगल जॉ में 2, 1, 2, 3, ये अरेंजमेंट है, 2, 1, 2, 3, ये टू कौन से हैं, इंसीजर, ये कौन सा है, कैनाइन, ये कौन सा है, प्रीमोलर, ये कौन सा है, मोलर, एंड वाइस वर्सा। यहां पर भी देखिएगा, ये टू क्या है हमारे पास, इंसीजर, सी क्या है, वन क्या है आपका, कैनाइन, टू क्या है, प्रीमोलर, एंड थ्री क्या हो जाएंगे आपके, मोलर। कई बार आपसे पूछता है टोटल नंबर काउंट करिए, तो ये सिंगल जॉ में हो गए आपके, आप काउंट कर लीजिएगा, 32 आ जाएंगे। ठीक है, टंग की बात करें, ये मस्कुलर ऑर्गन है, टंग क्या है आपका, मस्कुलर ऑर्गन है, और इसके मेनली थ्री फंक्शंस हमारे पास हैं, कौन कौन से थ्री फंक्शन है देखें एक बार ध्यान से। सर हम फंक्शन की बात करें, पहला मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, टेस्ट को आइडेंटिफाई करना, टेस्ट के फॉर्म में हमारे पास ये टंग दिखा रखी है आपको, टंग में देखिएगा जो टिप वाला पार्ट है, 1, 2, 3, 4 काउंट किए, 1 क्या है आपका, स्वीट, स्वीट टेस्ट फाइंड करेगा, 2 सॉल्टी जो आपका टेस्ट उसको फाइंड करेगा, 3rd आपका जो पॉइंट है वो सोर, खट्टा, राइट, और लास्ट आपका बिटर वन, लास्ट कौन सा आपका, बिटर टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है कि जो बिटर टेस्ट है वो कहाँ होगा, आपके बिल्कुल एंड वाले पार्ट में। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन ऑफ टंग, दैट इज स्पीकिंग, हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में हेल्प करता है, सर बिना टंग के आप बोल नहीं पाएंगे, कहते नहीं है आपकी बहुत जीभ चलती है, बहुत जबान चलती है, मतलब टंग हेल्प इन स्पीकिंग। ठीक है, सलाइवा की बात करें तो वाटरी फ्लूड है, वाटरी फ्लूड है जो माउथ में हमारे पास आता है, जी ललचाए रहा ना जाए, क्या कह रहे हैं हम, जो रहा नहीं जा रहा है आपसे। सलाइवा की बात कर रहे हैं, सलाइवा कहाँ से आया, सलेवरी ग्लैंड से आया, कहाँ से आया आपकी, सलेवरी ग्लैंड से आया है सलाइवा, और सलेवरी ग्लैंड से आए हुए सलाइवा में क्या है, एंजाइम, नाम है इसका सलेवरी अमाइलेज, क्या नाम है इसका, सलेवरी अमाइलेज नाम है, और ये क्या करेगा सर, फंक्शन क्या है इसका, डाइजेस्ट स्टार्च, क्या करेगा ये करेगा स्टार्च को डाइजेस्ट, क्या करेगा ये स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। सर तो एक बात समझ नहीं आई कि स्टार्च डाइजेस्ट माउथ में होता है, हाँ स्टार्ट हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि डाइजेशन विल स्टार्ट इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आंसर मस्ट बी माउथ। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है जो वहां पर आइएगा, हमारे पास ये इसोफेगस, इसी को बोलते हैं, अभी बताया हमने आपको, क्या बोलते हैं हम लोग, फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप जो क्या करता है, क्रिएट कनेक्शन बिटवीन माउथ एंड स्टमक, माउथ एंड स्टमक के बीच में क्या करता है,
कनेक्शन क्रिएट करता है एंड जब फूड मूव करता है तो मूवमेंट होता कैसे है उसको हम बोलते हैं कि फूड फॉरवर्डिंग मूव कर रहा है, मतलब जो आपकी एलिमेंट्री कैनल है वो बैकवर्ड पुश होगा, फूड फॉरवर्डली मूव करेगा, फूड फॉरवर्डली मूव करेगा। इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं, एक स्पेसिफिक नेम यूज करते हैं इसके लिए, क्या? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या यूज करते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वर्ड यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। स्टमक की बात करें, स्मॉल जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, स्मॉल जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं, क्या हम लोग स्टमक बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास कुछ ऐसा स्टमक बन जाता है। सर इसकी जो इनर लाइनिंग है, मैं इनर लाइनिंग बना रहा हूँ आपके सामने, आप देखिएगा इस लाइनिंग को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ये म्यूकस की लाइनिंग। किसकी लाइनिंग है बेटा? ये म्यूकस लाइनिंग है, म्यूकस लाइनिंग, देखिएगा म्यूकस की लेयर है, सॉरी हाँ म्यूकस की लेयर है। और म्यूकस की लेयर क्यों है? सर ये बचाएगी, प्रोटेक्ट करेगी किसको? स्टमक को। किससे प्रोटेक्ट करेगी आपको? स्टमक को किससे करेगा? HCl से। किससे? HCl से प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl का क्या फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, एक तो क्या करेगा, ये किल करेगा, यहां लिख रहा हूं मैं HCl का फंक्शन, फंक्शन ऑफ HCl क्या करेगा, किल माइक्रोब्स, दोस कम विद फूड, पानी पूरी वाले ने पानी में हाथ डुबा के खिलाया आप, तो माइक्रोब्स आए होंगे ना, कौन किल करेगा? HCl कर देगा, ठीक है। आइए सेकेंड फंक्शन देखिएगा, हमने कहा कि HCl क्या करता है, जो एक आपका एंजाइम है पेप्टिनोजेन, पेप्टिनोजेन को पेप्टिन में कन्वर्ट करेगा, पेप्टिन में कन्वर्ट करेगा, और ये पेप्टिन क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, क्या करेगा, ये प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन पेप्टिनोजेन, HCl क्या है आपका, एसिड, ध्यान रखिएगा, एसिडिक मीडियम में कौन करता है डाइजेशन प्रोटीन का, तो पेप्टिन करता है स्टमक में, क्लियर। नेक्स्ट आइएगा, हम बात कर रहे हैं आपसे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 7.5 मीटर, हम पहले ही बात कर चुके हैं, राइट। अब देखिएगा, हमने कहा सर लिवर और आपका पैनक्रियाज, ये दोनों मेन रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन में, कहते हैं यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के किसी पार्ट में डाइजेशन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, डाइजेशन नहीं हुआ। देखिएगा ध्यान से, हमने कहा लिवर की बात करें, ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है भाई साहब, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, गलती मत करिएगा, है ना। लिवर की बात करें, सर लिवर ने निकाला है क्या, बाइल जूस, तो क्या सर ये एंजाइम है? नहीं, बाइल जूस में नो एंजाइम, कोई भी एंजाइम नहीं, ये डाइजेस्टिव जूस है, क्या ये डाइजेस्टिव जूस है, और बाइल जूस क्या करेगा, फैट को इमल्सिफाई करेगा, सर क्या करेगा, इमल्सिफाई, मतलब हमने कहा फैट का ये लार्ज ग्लोब्यूल है, फैट का ये लार्ज ग्लोब्यूल है, इसको स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करेगा, और इसी स्मॉल ग्लोब्यूल पे काम कौन करने वाला है, ये देखिए लाइपेज, पहले ये बड़े को छोटा कर देगा, और छोटे वाले पे काम कौन करेगा, लाइपेज करेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइएगा पैनक्रियाज की बात करते हैं, पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस में दो हमारे पास एंजाइम है, ट्रिप्सिन है एक हमारे पास, दूसरा हमारे पास है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा बेसिक मीडियम में, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, क्योंकि बाइल जूस ने मीडियम कैसा कर दिया है, बेसिक कर दिया है, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जबकि स्टमक में एसिडिक था, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास लाइपेज क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा, आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो समझिएगा, अगर आपने रोटी खाई है तो क्या मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट, क्या मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और डाइजेस्ट कर दीजिए क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, सिंपल। हमने कहा आपने दाल खाई है, पल्सेस, है ना, तो क्या खाया आपने, आपने प्रोटीन इंटेक किया सर, और प्रोटीन को ब्रेक करिए, डाइजेस्ट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड, क्या बन जाएंगे, अमीनो एसिड्स बन जाएंगे आपके, ठीक है। अगर घी की बात करें, ऑयल की बात करें, तो इसको अगर आपने खाया है
तो ये क्या है सर? ये तो फैट है, इसको डाइजेस्ट करिए क्या बन जाएगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या है ये? फैटी एसिड, और प्लस क्या बन जाएगा आपका? ये ग्लिसरॉल। सर ये बॉक्स में है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है, बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। सर डाइजेशन तो कंप्लीट हो चुका है स्मॉल में, तो लार्ज में क्या होगा? यहां पर मेनली क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर, जितना भी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और प्लस जो भी ड्रग्स हैं, जो भी मेडिसिन आपने ली है, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उनको हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो सॉलिड वेस्ट बचेगा, सॉलिड वेस्ट बचेगा, और ये सॉलिड वेस्ट कहाँ जाएगा? रेक्टम में स्टोर हो जाएगा। कहां पर? रेक्टम में स्टोर हो जाएगा, और रेक्टम से एनस की हेल्प से बॉडी से रिलीज कर दिया जाएगा, तो वेस्ट रिमूव हो गया। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड था वो कहाँ चला गया? ये चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन से, सारा कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा? विली की हेल्प से एब्जॉर्ब कहाँ जाएगा? ये ब्लड में। कहाँ जाएगा? ये ब्लड में चला जाएगा। क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डाइजेशन इन हर्बीवोर्स। प्लांट में क्या होता है? जो प्लांट खाते हैं या प्लांट का कोई पार्ट खाते हैं, मतलब क्या खा रहे हैं वो? सेलुलोज। और ये तो कॉम्प्लेक्स फूड है भाई, ये क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको डाइजेस्ट करना इज नॉट अ इजी टास्क। तो इसके लिए भगवान ने जो हर्बीवोर्स है उनके पास अलग से सिस्टम दे रखा है, वो क्या है? रूमेन दिया हुआ है। रूमेन गट कहाँ होता है? स्टमक के पास, स्टमक से पहले, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टमक। यहां पर क्या होता है? पार्शियल डाइजेशन होता है। किसका? सेलुलोज का। किसका होता है? सेलुलोज का होता है। ध्यान रखिएगा, फोर चैम्बर स्टमक होता है किसमें? रुमिनेंट एनिमल। मतलब क्या होते हैं रुमिनेंट एनिमल? ऐसे एनिमल जो फूड पहले खा लेंगे, फिर स्टमक रखेंगे प्राइमरी स्टमक में, वहां से वापस माउथ में लाएंगे और चबाते रहेंगे, जुगाली करते हैं। हमने देखा गाय भैंस को बैठे बैठे मुंह चलाती रहती है, वही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी स्मॉल चेन लंबी होगी एज कंपेयर टू जो कार्निवोर एनिमल है। क्लियर? चलेगा, नेक्स्ट आइएगा। अमीबा की बात करें न्यूट्रिशन में, यहां पर देख लिया हमने अमीबा में क्या है? यूनिसेलुलर। अमीबा के पास कोई सेल नहीं होती सर, अमीबा के पास कोई सेल नहीं है, सॉरी नॉट कोई सेल नहीं है, मैंने कहा उसके पास एक सेल है, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई टिश्यू नहीं है, राइट? हम कह रहे हैं वो क्या है? यूनिसेलुलर है जी, एक सेल है, इसका कोई सेप साइज नहीं होता, कोई सेप साइज नहीं होता है। ठीक है, इसके पास ये क्या है? हमारे पास न्यूक्लियस है। ये क्या है इसके पास? फूड वैक्यूल। क्या है आपका? फूड वैक्यूल है। ये सीडोपोडिया है, फॉल्स फीट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? फॉल्स फीट बोलते हैं, झूठ मूठ के पैर हैं, क्योंकि फूड कैप्चर करता है केवल। ये हमारे पास हो जाएगा साइटोप्लाज्म। ये क्या आपका? साइटोप्लाज्म। हमने कहा यहाँ पर स्यूडोपोडिया मिला आपको, स्यूडोपोडिया क्या करता है सर? कैप्चर ऑफ फूड। क्या करेगा? कैप्चर ऑफ फूड करता है, राइट? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमने बोला सर यहाँ पर फूड वैक्यूल होते हैं। फूड वैक्यूल की बात करें, फूड वैक्यूल में क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूस होता है जो उसको डाइजेस्ट करता है। क्लियर? ये तो बात किसकी हो गई? डाइजेशन की बात हो गई। क्लियर? अब बात करें हम लोग, तो इतनी बातें हमने करी, क्या बातें करी हमने? कि एनिमल में डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, एनिमल देखा हमने, फिर हमने देखा यहाँ पर ह्यूमन की बॉडी में। हमारी बॉडी में आपने देखा था एलिमेंट्री कैनल। क्या देखा था आपने? एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल में क्या देखा आपने? माउथ से लेके एनस तक का पार्ट। माउथ के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन लास्ट में एनस। ठीक है, यहां से वेस्ट को रिमूव कर दिया गया। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ी। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज होती है, लंबी होती है, लॉन्ग होती है, कितने? हर्बीवोर्स में एज कंपेयर टू कार्निवोर। क्लियर? इतनी बातें हमने की, थोड़ा सा रिकैप भी कर लिया, आपने देखा और इंजॉय किया। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जिसको नीड है। ठीक है, सारे जितने भी कंपिटेटिव एग्जाम हैं सब में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्विक रिवीजन किया हमने पूरे चैप्टर का, ऐसे सीरीज को देखना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है,
हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आपका कुलदीप, टेक केयर, बाय बाय। चलिए।